हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, शनि आपकी कुंडली के छठे भाव या छठे घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती हैं और दोस्तों उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर। इसके पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह उसी घर में बैठा शनि नंबर्स के कारण या राशियों के कारण कैसे अलग अलग प्रभाव देता है। तो दोस्तों, उस नंबर का या उस राशि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, शनि छठे भाव में। दोस्तों, छठा भाव जो होता है वो एक कुंडली का अशुभ भाव माना जाता है, बीमारियों का भाव माना जाता है, कर्ज का भाव माना जाता है, मुकदमे कोर्ट केस का भाव माना जाता है। ये कुंडली का एक अशुभ भाव माना जाता है और यहाँ पर शनि किसी भी नंबर के साथ हो, किसी भी राशि के साथ हो, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों, उनके परिणाम का जो आप जायज़ा करेंगे तो वो आप उनके डिग्री वाइज बल को देखकर करें कि आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में जो शनि का बल है वो कितना है। यदि 10 के नीचे यदि शनि का डिग्री है तो कम खराब फल मिलेगा। यदि 20 के ऊपर भी यदि शनि की डिग्री है तो भी कम खराब फल मिलेगा। लेकिन 10 से 20 तक यदि शनि की डिग्री है तो शनि यहाँ पर बलवान हो जाता है और खराब या अच्छा फल देने के काबिल हो जाता है। यहाँ पर शनि को या किसी भी ग्रह को यंग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि कोई आपसे कहे कि गलत घर में बैठा है शनि, इसे अच्छा करने के लिए नीलम पहन लीजिए जो शनि का रत्न होता है। दोस्तों, नीलम भूल कर भी मत पहनिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और बलवान हो जाएगा। हम कोई रत्न क्यों धारण कर दें उस ग्रह को बलवान करने के लिए। हमें यहाँ पर शनि ग्रह बलवान नहीं चाहिए, कम बलवान चाहिए या कमज़ोर चाहिए। तो दोस्तों, नीलम बिल्कुल भी मत पहनिएगा, उससे शनि ग्रह बलवान हो जाएगा और आपकी कुंडली का सत्यानाश कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव का दान करें, शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव को दीपक लगाएं, शनिदेव की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करें, इससे जो बुरा इफेक्ट है वो कम होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या परिणाम मिलेंगे शनिदेव यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियाँ क्या होती हैं तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी मिल जाएगी, दृष्टियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यदि आप राशिफल भी जानना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी के समय समय पर अपडेट जानना चाहते हैं, जैसे शनि साले साथ या किसी ग्रह के बारे में भी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और शनि छठे भाव में क्या फल देते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब शनि छठे भाव में होंगे तो किसी भी नंबर के साथ होंगे, किसी भी राशि के साथ होंगे, तो व्यर्थ की बीमारियां जो होती हैं वो शनि की महादशा अंतरदशा में बढ़ जाएंगी। जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनसे कुछ न कुछ तकलीफें परेशानी चलती रहेगी व्यक्ति को। यदि व्यक्ति ने कर्ज लेकर रखा है तो उसे या तो समय पर नहीं चुका पाएगा या डिले होता रहेगा या चुका ही नहीं पाएगा शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालेंगे, उनकी शनि अपनी 3री दृष्टि 8वें घर में डालेंगे, तो फिजूल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। जब शनि अपनी दृष्टि 12वें घर में डालेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि 12वें घर में डालेंगे, तो फिजूल के व्यय, फिजूल के खर्चे बढ़ जाएंगे। जब शनि अपनी 10वीं दृष्टि 3रे घर में डालेंगे तो छोटे भाई बहनों से कुछ न कुछ कलेश या कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहेगी। फिजूल की मेहनत व्यक्ति करता रहेगा, चाहे परिणाम नहीं मिल रहा तो भी फिजूल की मेहनत व्यक्ति की चलती रहेगी। तो शनि का छठे भाव में होना ये फल देता है।
दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बार फिर कहूँगा कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।